नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के रण में अब चुनावी तस्वीर साफ हो चुकी है। सभी 200 सीटों पर राजनीतिक बिसात बीत चुकी है और कांग्रेस भाजपा में तीसरे मोर्चे द्वारा प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। इसमें 53 नेता कांग्रेस में भाजपा के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। नेताओं ने अपनी ही पार्टी से बगावत की, वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें ज्यादातर बड़े नाम हैं, ऐसे में पार्टी को नुकसान का डर सताने लगा है। टिकट वितरण में कांग्रेस हो या बीजेपी, एक एक सीट पर सभी पार्टियों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है। कुछ विधायकों के टिकट काटे तो कुछ टिकट मांग रहे नेताओं को पार्टी टिकट नहीं दे रही। ऐसे में नेताओं ने अपनी ही पार्टी से बगावत कर दी। बागी विधायक व नेताओं ने पार्टियों को परेशान कर दिया है। कांग्रेस व भाजपा में 53 नेता ऐसे हैं जिनसे पार्टी को खतरा सताने लगा है। कांग्रेस में 25 व बीजेपी में 28 नेता शामिल हुए हैं। कांग्रेस की बात करें तो सरदारपुर से नगर परिषद के मौजूदा सभापति रामकरण चौधरी बागी हुए हैं। मसूदा से पूर्व विधायक व संसदीय सचिव ब्रह्मादेव कुमावत, हिंडौन सिटी से प्रदेश जाटव, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जोहरी लाल मीणा, फलोदी से वरिष्ठ नेता व सरपंच कुंभ सिंह पातावत, सागवाड़ा से सरपंच व संघ जिला संरक्षण पन्नालाल डोडरिया, सिवाना से पूर्व अध्यक्ष राजसिको सुनील परिहार, सूरसागर से पूर्व मेयर व जोधपुर रामेश्वर दादीच, शाहपुरा से पूर्व विधायक आलोक बनीवाल, नगर से 3 बार जिला अध्यक्ष रहे डॉक्टर गोविंद शर्मा, गंगापुर सिटी से रेलवे अधिकारी रघुवीर सिंह, केकड़ी पूर्व विधायक बाबूलाल सिंघानिया, पुष्कर से पूर्व विधायक गोपाल महिती, अजमेर दक्षिण से पीपीसी सदस्य हेमंत भाटी, खेमसर से पूर्व प्रत्याशी दुर्ग सिंह चौहान, चौरासी से पीसीसी महासचिव, नागौर से पूर्व मंत्री हबीब उलनान, लूनकरनसर से पूर्व गृह राज्य मंत्री रविंद्र बेनीवाल, डूंगरपुर से मौजूदा प्रधान देवराज, कामा से वरिष्ठ कांग्रेस नेता खुर्शीद अहमद, छबड़ा से आरयू के पूर्व छात्र अध्यक्ष नरेश मीणा, पीपलत्या से देहात जिला अध्यक्ष सरोज मीणा, बाड़ी से साधड़ी से ओम प्रकाश चौधरी, मनोहर नाथ से पूर्व विधायक कैलाश मीणा, बांदीकुई से पूर्व जिला प्रमुख विनोद शर्मा बागी हो चुके हैं। अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह भाजपा की बात करें तो बाड़मेर से पूर्व विधायक गंगाराम चौधरी की पोती प्रियंका चौधरी, शिव से खूब छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी, चित्तौड़गढ़ से चंद्रबान सिंह, छोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत, साचौड़ से जीवाराम चौधरी, डांग से पूर्व विधायक रामचंद्र सुनारीवाल, गढ़ी से पूर्व प्रधान लक्ष्मण डिंडोर, बागी दोरा से पूर्व महासचिव खेमराज गरासिया, कपासन से दिनेश बुनकर, लक्ष्मणगढ़ से महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अलका शर्मा, गंगापुर सिटी से माली समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष छोटेलाल सैनी, बस्ती से जितेंद्र मीणा, शाहपुरा से कैलाश मेघवाल, बांसवाड़ा से कम मईड़ा, आसिंद से धनराज गुर्जर, कोटपुतली से महेश गोयल, रामगढ़ से सुखविंदर सिंह, फतेहपुर से मधुसूदन भिंडा, सीकर से ताराचंद घायल, पिलानी से कैलाश मेघवाल, झुंझुनू से राजेंद्र बाबू, खंडेला से बंशीधर बाजिया, लाडपुरा से भवानी सिंह राजावत, बयान से डॉक्टर ऋतु बनावट, कामा से मदन मोहन सिंगल, अजमेर उत्तर से सुरेंद्र सिंह शेखावत, डिडवाना से यूनुस खान, सूरतगढ़ से राजेंद्र बहादुर व 28 ऐसे नेता हैं जो बगावत कर रहे हैं। तो पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जल्द शुरू होगा सभाओं का शोर। प्रदेश में चुनावी घमासान के बीच अब सभाओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस बीच भाजपा के स्टार प्रचारकों में 40 नेता शामिल हुए हैं। इसमें 20 महिलाएं, 46 नए युवा चेहरे हैं। तो कांग्रेस ने भी 40 से ज्यादा चुनाव प्रचार के नए चेहरे उतारे हैं। इसमें 28 महिलाएं, 34 नए चेहरे और युवा हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर अलग अलग नेताओं को अलग अलग काम की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंकने लगी हैं। आसपास के राज्यों के नेताओं को चुनाव प्रचार में उतार दिया गया है।
हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित आसपास के नेताओं ने राजस्थान के अलग अलग शहरों में डेरा डाल लिया है। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।